नमस्कार साथियों, आरकेएसएमबी के आकलन का परिणाम शाला दर्पण पर जारी किया जा चुका है। आरकेएसएमबी के आकलन का परिणाम आपको कैसे देखना है, परिणाम को कैसे डाउनलोड करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा देने वाला हूं। जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कीजिएगा, और अन्य प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से आरकेएसएमबी के आकलन दो के परिणाम देखने की प्रक्रिया। आरकेएसएमबी के आकलन दो का परिणाम देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी आरकेएसएमबी के ऐप नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको पहले ही नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा आरकेएसएमबी के रिपोर्ट कार्ड SA2 2023-24, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जिस भी क्लास के आप रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो क्लास आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां आरकेएसएमबी के असेसमेंट टाइप जो रखना है वो आरकेएसएमबी के 2 ही रखना है। अब आप एक एक विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो यहाँ शो का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, विद्यार्थियों की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ आ जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी के सामने आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप एक एक रिपोर्ट कार्ड इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु एक एक रिपोर्ट कार्ड को यदि आप डाउनलोड करेंगे तो आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शाला दर्पण टीम की ओर से आपको यहाँ एक टैब उपलब्ध करवाई गई है, डाउनलोड आल के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको फिर से यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप क्लास का चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड आल का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और जिस भी कक्षा का चयन आपने यहाँ किया है, उस कक्षा के रिपोर्ट कार्ड आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएंगे। वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, आप चाहें तो इन रिपोर्ट कार्ड को यहाँ से देख सकते हैं और इनकी प्रिंट भी ले सकते हैं। उसी तरह आप अन्य कक्षा के यदि रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है और जिस भी कक्षा के रिपोर्ट कार्ड आपको डाउनलोड करने हैं, उस कक्षा का चयन आपको फिर से यहाँ कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड आल का, तो फिर से आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके जो रिपोर्ट कार्ड है वो उस जो भी कक्षा आपने यहाँ सेलेक्ट की होगी उसके रिपोर्ट कार्ड आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएंगे। तो इस तरह साथियों, आपको एक साथ आरकेएसएमबी के आकलन 2 के रिपोर्ट कार्ड अपने विद्यार्थियों के डाउनलोड करने हैं। उम्मीद करता हूँ प्रक्रिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और प्रक्रिया यदि आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे प्रत्येक साथी तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि उनका कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। और आपको किसी भी प्रकार की मुझसे तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना कमेंट रखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा और साथ में आपकी समस्याओं के समाधान भी देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।